नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम खाकी द बिहार चैप्टर, जो वेब सीरीज बनी थी उसके रियल हीरो अमित लोढ़ा की। आपको बता दें कि बिहार डायरीज, जो कि अमित लोढ़ा के द्वारा लिखा गया, अपने पुलिसिंग कैरियर को लेकर, बिहार में उनकी पोस्टिंग को लेकर, उस पर वेब सीरीज बना खाकी द बिहार चैप्टर। और जब से ये वेब सीरीज बना तब से ही अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। आपको बता दें कि बिहार की स्पेशल विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ आय से अधिक इनकम का जो है वो जांच शुरू कर दिया। और आज एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। निकल के खबर ये आई है कि जांच पूरी हो गई है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गृह विभाग से उन पर अभियोजन यानी कि केस चलाने की अनुमति मांगी है। पहले आपको हम पूरा मामला बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कैसे अमित लोढ़ा जो है फिल्म बनाने के चक्कर में पड़े, कहां पर इनकी दोस्ती हुई वैसे लोगों से, और कैसे इसके बारे में पता चला कि ये ड्यूटी छोड़कर शूटिंग के स्थल पर ज़्यादा समय बिताते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि बिहार कैडर के आईपीएस और खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज़ के रियल हीरो आईजी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने लोढ़ा के मामले में जांच पूरी कर अभियोजन की स्वीकृति के लिए गृह विभाग को अपनी गोपनीय रिपोर्ट भेज दी है। जाँच के लिए निर्धारित 6 महीने की समय सीमा के से करीब 3 महीने पहले ही एसबीयू ने रिपोर्ट सौंपी है। एसवीयू लोढ़ा की किताब पर आधारित वेब सीरीज बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी के से अवैध तरीके से पैसा अर्जित करने के मामले में चार्जशीट करेगी। गृह विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। एसवीयू की इन्वेस्टिगेशन में आय से अधिक संपत्ति के पर्याप्त जो हैं वो साक्ष्य मिले हैं। वही बता दें कि लोढ़ा की दलील है कि एफआईआर से पहले प्रारंभिक जाँच पड़ताल नहीं की गई, लिहाजा एफआईआर विधिवत नहीं है। उन्होंने किताब लिखने को लेकर क्षेत्राधिकार का भी मामला उठाया। उनकी दलील है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने किताब लिखी, चूंकि वे बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं इसलिए एसवीयू की प्राथमिकी को सही माना गया। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा और फ्राइडे स्टोरी टेलर्स के बीच कहानी के स्वामित्व अधिकार को लेकर करार हुआ और फ्राइडे स्टोरी टेलर्स ने लोढ़ा की पत्नी को अलग अलग रकम का भुगतान किया। लोढ़ा के खिलाफ जांच कर रही एसवीयू को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। सूत्रों के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में अमित लोढ़ा से जुड़े कथित भारी निवेश और कई बैंक खातों के ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की जानी थी। इसमें 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता था। लोढ़ा ने अपने विरुद्ध एसवीयू की प्राथमिकी रद्द कराना चाहते थे। उन्होंने अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया। वे पटना हाईकोर्ट गए लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना करते हुए एसवीयू को निष्पक्ष तरीके से जाँच जारी रखने का आदेश दे दिया। एसवीयू ने 6 महीने में जांच पूरी कर चार्जशीट करने की बात कही है। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा स्थापित कहानीकार नहीं हैं, उन्होंने किताब लिखने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इसे नज़रअंदाज कर लोढ़ा ने बिहार डायरी लिखी, इसका उपयोग वेब सीरीज के लिए किया गया। उन्होंने यह काम आर्थिक लाभ के लिए किया जो अवैध कृत्य है। लोक सेवक होने के बावजूद लोढ़ा ने निजी कारोबारी हितों के लिए एक प्रोडक्शन हाउस के साथ करार किया। 49,62,372 रुपये भी अर्जित किए जो उचित नहीं है। इस षड्यंत्र में उन्होंने पत्नी कौमुदी लोढ़ा को भी शामिल किया। प्रोडक्शन हाउस और लोढ़ा की पत्नी के बीच एक करार हुआ ताकि उनके खातों में राशि आसानी से ट्रांसफ़र की जा सके। प्रोडक्शन हाउस ने 7 मार्च 2019 से 13 सितंबर 2021 के बीच कौमुदी लोढ़ा के खाते में 38,25,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। आरोप यह भी है कि लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज पर बनी वेब सीरीज की लागत 64 करोड़ है। यह पैसा लॉस गाटोस प्रोडक्शन सर्विस ने लगाया था, जो भारत में नेटफ्लिक्स की वैधानिक प्रतिनिधि है। एजेंसी ने इसकी भी जांच की। तो आपको बता दें कि ये अमित लोढ़ा पर जो अभी तक मामले चले हैं वो उसका वारा न्यारा है। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा का जो किताब है खाकी द बिहार चैप्टर, वो उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पर जाने से पहले का वो किताब है। यानी कि 1998 बैच में वो आईपीएस चुने गए और 2000 में वो बिहार आए यहाँ पर अपनी सर्विस के लिए, और कहानी जो है उसी समय से लेकर 2005-06 तक चलती है। लेकिन आपको बताएं कि 2012-13 के आसपास जो है अमित लोढ़ा वो सेंट्रल डेप्टेशन के लिए बीएसएफ में गए और जैसलमेर में उनकी तैनाती थी। और आपको बता दें जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर ठंडियों के दिनों में काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती है,
धारावाहिक की शूटिंग होती है, अलग अलग वहाँ पर काम होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार जो हैं वो आते रहे। और आपको बता दें कि इसी दौरान अमित लोढ़ा की जान पहचान बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ और देश के बड़े बड़े हस्तियों के साथ हुई, और इसी में उन्हें किसी ने प्रेरित किया कि उन्हें किताब लिखनी चाहिए, और किताब का जो उनका जो सारा जांच पड़ताल जो है वो अक्षय कुमार की पत्नी के द्वारा किया गया। आपको बता दें ट्विंकल खन्ना जो हैं उनके द्वारा किताब पर जो है उनका सिग्नेचर भी है कि उन्होंने उसका प्रीफेस ये सब लिखा, काफ़ी अच्छी पुस्तक है वो। उसके बाद बता दें आपको हम कि जैसलमेर में रहने के दौरान उन्होंने BSF, आपको बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जैसलमेर में काफ़ी अच्छा बटालियन है, काफ़ी सुख सुविधाओं से लैस है, और ये कहा जाता है कि वहाँ पर अमित लोढ़ा ने बॉलीवुड के या देश के बड़े हस्तियों को वहाँ पर काफ़ी हॉस्पिटैलिटी जो है वो प्रदान की। BSF के गेस्ट हाउस में रखना, गाड़ियाँ मुहैया कराना, गार्ड्स देना, और ऐसे में उनके संपर्क काफ़ी अच्छे बने और उसी से प्रेरित हुए वो फिल्म बनाने को लेकर। उनकी जान पहचान काफ़ी अच्छी हो गई थी। और बता दें जब वो बिहार आते हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन से तो मगध रेंज के IG बनते हैं। उसी दौरान गया के SSP राजीव कुमार से उनके संबंध खराब होते हैं, और IG साहब यानी अमित लोढ़ा के द्वारा और आदित्य कुमार जो कि गया के SSP थे, उन दोनों के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर को एक पत्र लिखा जाता है एक दूसरे के खिलाफ, और पुलिस हेडक्वार्टर जो है इसकी खुफिया जांच कराता है। तो बता दें आपको हम कि जब खुफिया जांच हुआ तो पता चलता था कि IG साहब रोज़ अपने आवास से सुबह निकलते ज़रूर थे लेकिन वो अपने ऑफिस नहीं पहुँचते थे। पहुँचते थे वो कहाँ, तो कहा जाता है कि कोडरमा ग्रेडी में पहुँचते थे जो वहाँ से काफ़ी करीब है लेकिन झारखंड का हिस्सा है, और वहाँ पर शूटिंग चलती थी खाकी द बिहार चैप्टर की। ये रिपोर्ट भेजा गया पुलिस हेडक्वार्टर को, पुलिस हेडक्वार्टर का तभी से उन पर नज़र जो है वो थोड़ा तीखी हुआ क्योंकि कोई भी सर्विंग ऑफिसर स्टेट बिना हेडक्वार्टर को बताए नहीं छोड़ सकता है। आपको बता दें उसके बाद इनकी फिल्म आ गई, फिल्म आने के बाद ये मामला और तुल पकड़ा, आदित्य कुमार का भी मामला तुल पकड़ा, और ऐसे में स्पेशल विजिलेंस यूनिट को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई, जिसका परिणति आज ही हुआ है कि अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। खाकी द बिहार चैप्टर में रियल हीरो का रोल करने वाले का जो अभिनय जिन पर आधारित है फिल्म, जो आज जो हैं वो पैसे की धोखाधड़ी में फंसे हुए हैं, और उन पर FIR करने का स्वीकृति स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा गृह विभाग से मांगा गया है, और पूरी संभावना है कि उन पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति गृह विभाग के द्वारा दे दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।